ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर खबर सबसे पहले। और नाज़रीन, रुकन कौमी असम्बली आमर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने शोर के खिलाफ सबूत पेश करने का इशारा दे दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि खुला दायर करने के बाद आमर लियाकत हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं। एक लड़की को शोरत से कहीं ज़्यादा इज्जत की ज़रूरत होती है। दानिया शाह ने आमर लियाकत की जानिब से खुद पर लगाए गए इल्ज़ाम पर आपदीदा होकर रद्देअमल में कहा कि अगर मैं गलत औरत थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। उन्होंने आमर लियाकत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आमर लियाकत नशा करता था और नौकरों के सामने इज्जत भी नहीं करता था। उन्होंने 2-3 बार मार और 1 बार गला दबाने की कोशिश भी की। इंटरव्यू में दानिया ने वाज़े किया कि मेरा मीडिया पर आने का कोई इरादा नहीं, लेकिन मैं आमर लियाकत से सुलह नहीं करना चाहती क्योंकि जो शख्स मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है मैं इसके साथ क्यों सुलह करूँ। दानिया शाह ने मजीद कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी खुलह हो जाए क्योंकि मैं आमर लियाकत के साथ नहीं रहना चाहती। वो अभी इतनी गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा है, मुस्तकबिल में ये सिलसिला कितना बढ़ेगा। नशे से मुतलक बात करते हुए दानिया का कहना था कि मेरे पास आमर लियाकत के खिलाफ सारे सबूत हैं जो कि वक्त आने पर मैं दिखाऊंगी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ से मीडिया और सोशल मीडिया पर खुला की खबरों के बाद आमर लियाकत हुसैन ने तीसरी अहलिया दानिया शाह को अनफॉलो कर दिया है।